दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती दूध फट गया, कभी उसमें नागवार बू आने लगती, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से कहा, भाई आओ साजे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वह उसे पूरी आजादी से पाथें, उपले बनाएं, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वह गोबर पर कभी भी अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करेगा और ना किसी का इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत ना पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर एक फारसी कहावत गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गायें बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सहरी, खुदा की रहमत की है मूरत कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे यहाँ पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहाँ तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया, कितना ही उबालो ना कहीं मलाई का पता ना मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का भी मौका ना था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डालो। आठ आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ था। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधों आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हो गए और मेरे घर में रोज बकचक मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती, दूध ले जाकर उन्हीं के सर पर पटका। मैं नौकर को मना करता। वह कहती, अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता ये लोग दूध देखकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा। रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा। चड्डा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में हो, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वह यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी, सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी? और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह हुई कि तीसरे महीने चड्डा जी का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों में बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वह बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नान धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी अहीरन की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर। जल्दी हजम होता है, ना गर्मी करे ना सर्दी, ऊपर से स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेदार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार।
एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही ब्याही है, 25 रुपए में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुए, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा, जो जो गुण बताए गए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नान मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मूसलों ढोल बजाएंगे, यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही यह बात सूझती तो इतनी परेशानी क्यों होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसके सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दो पाता था, लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती थी। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई, बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घुमा करती थी। यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ, इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला गया और गो कि मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फासला तय करने को तैयार था। यहाँ मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग था। बाग से निकलिए तो काछियों के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली दे जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से 1 सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे, कृष्ण जी गाय चराया करते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद दोनों ही भेड़े चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है, जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वह कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है, वह हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो देगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। जरायम पेशा कौमों के लोग बाजार से कोई चीज कीमत देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता था। बकरी पत्तियां चढ़ लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर की जाए। यूं वह बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी, उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी। लेकिन बाग और खेत में घुसने की आजादी नहीं है, इसे वह ना समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला, बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर से हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे या कानी होश भेज देंगे। अभी वह अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। हाँ हाँ करती ही रही, मगर रांड खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया। इसके पेट में भवानी बैठे, यहाँ कोई तुम्हारा दबैल नहीं है,
हाकिम होंगे अपने घर के होंगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं तो गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी, उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वह औरत भी शेर हो जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में यह गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई, तो हेकड़ी से बोली, तू कानी होश पहुंचा दे, और क्या करेगी, नाहक टर टर कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रौंद दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने आई है। अभी पुलिस में इत्तला कर दे तो बंधे बंधे फिरोगे। बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो और ऊपर से रोब जमाती हो, क्या इसी का नाम इंसाफ है? देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो न मानोगे कि शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। लगे उल्टे डांटने, गंवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती, उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है, जरा उसे देखते रहा करो कि किसी के खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता। मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार भी था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्दी चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरी दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज यह कवायद करनी पड़ी। थक गया मगर मेहनत सफल हो गई, आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। यह ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों ना एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाता है। चुनांचे एक पड़ोसी से एक लंबा पतला बांस मांग लिया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी के साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही कांची एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या करते हो बाबूजी, आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है, ना कि आप शरीफों का। मैं कट गया, कुछ जवाब ना सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म, वगैरह जवाब कुछ हल्के, बेहकीकत और बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जुबान बंद कर दी। कांची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते ही देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पत्तियां कहाँ रखाऊं? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला, आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रखाता हूँ। मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। कांची ने उनका एक गठ्ठा बनाया और सर पर लादकर चला गया।
अब मुझे मालूम हुआ यह देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं। मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। कांची फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रे चुस्त करे। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक नहीं था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे। लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपने निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने इतने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मे का निरंतर स्वर आकर कान के पर्दों को क्षत विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियां देना शुरू की। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात जाड़ों के दिन घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को रो रहा था। अंधेरे में पांव पड़ते मेरी रूह कांपती थी। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा हूंगा और यह बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने यह बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मुंजी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। और यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात तक ना सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए किया क्या है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। यह सजा भुगत कर 9 बजे रात को घर लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे यह फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डालकर पेड़ की जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी नहीं बची थी कि वह एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यहीं छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे। लेकिन दिल न माना, पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच एंठन सुलझाई। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था वो सो अलग। यह तरकीब और भी तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अक्ल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल कर देगी, और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आ रही है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य न हो, वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई।
सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से वह पेड़ लदा खड़ा था, और पेड़ भी था गुलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वह आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में कौन मुझे देखता है कि पत्तियां तोड़ रहा हूँ, अभी अंधेरा हुआ जाता है। पत्तियों का एक गठ्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी शामत ही आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोला न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा हूँ, मगर कौन सुनता है, चरवाहे का कहीं पता ही नहीं। कहीं दुबक रहा होगा कि देख लिया जाएगा तो गालियां पड़ेंगी। मैं झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ दूंगा, यकायक पैर फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गया। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यहीं शहीद हो जाता। मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गठ्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाई घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना न हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख न ले, तो वही कांची सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेढ़े थी, जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता भी नहीं था। मैंने साइड बदल ली और सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था जैसे कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी और ऊपर की ऊपर, जैसे वह कांची कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूद की जुबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हा, वह यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था। शैतानी आवाज कानों में आई, कौन है रे, कहां से पत्तियां तोड़े लाता है। मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई है और मैं उसके गहरे पेट में जा रहा हूँ। रोए बर्छियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया। जवाब देने का होश ना रहा, तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वह ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गठे पर पड़ा और गठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वह घृणित आवाज, वह कर्कश आवाज, वह हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वह दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वह दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे, इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए, जीना मुहाल किए देती है, घर से निकलकर कहाँ चली जाऊं। मैंने इत्मीनान दिलाया, आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को देना पड़े। और लोग न जाने कैसे बकरियां पालते हैं, बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी को चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे। 8 आने बकरी मिलते हैं हुजूर, मैं 1 रुपया दूंगा लेकिन बकरी कभी मेरे सामने न आए। गडरिया हैरत में रह गया, बोला, मरकही है क्या बाबूजी। नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
अभी तो दूध देती है। हाँ हाँ, सवा शेर दूध देती है। दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा। तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा बेगरज गाहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। एक हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहाँ तक कि एक महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी इतराज ना किया, कांची के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दुहलाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में एक बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र न किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती होती तो वह बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लाने अंदर गया कि क्या देखता हूँ कि मेरी बकरी दो बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वह पहले सीधी उस जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी कि जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वह पुरानी कटुता थी, न वह मनमुटाव। कभी बच्चे को चमकारती थी, कभी बकरी को सहलाती थी, और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत। जी चाहता है एक पाल लूं। अभी तबीयत नहीं भरी है क्या? तुम बड़े निर्मोही हो। चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते हुए चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे यह तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पियेंगे? बच्चे कहाँ तक पियेंगे बहू जी, दो शेर दूध अच्छा न होता था इस मारे नहीं लाया। मुझे रात की वह मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या ना लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर फिर मत लाना। उस दिन से न वह गडरिया नजर आया, न वह बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश ही की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहा लेती हैं।